बार कहा था उन्होंने कि हम कम करवा देंगे, हम पराली जलना कम करवाएंगे। पराली जलना कम कैसे नहीं हुआ? ये बीजेपी जो है सिर्फ और सिर्फ जुमलाबाजी करती है, सिर्फ आरोप लगाती रहती है। भारतीय जनता पार्टी करती कुछ नहीं है। आज बीजेपी के नेताओं से मैं कहना चाहता हूँ, कोई डेडलाइन बताएं, टाइम बताएं कि पराली जलना हरियाणा में कब बंद होगा, टाइम बताएं कि केंद्र सरकार बताए कि हरियाणा, पंजाब और तमाम राज्यों में, उत्तर प्रदेश में पराली जलना कब बंद होगा, टाइमलाइन देके बताएं, वरना माफी मांगे देश की जनता से, इनसे सरकारें संभल नहीं रही। पंजाब में आप लोगों के आंकड़े से पराली कम हुई है, बट अभी जो एनवायरनमेंट रिसर्च सेंटर है मॉनिटरिंग का, वो कह रहे हैं पंजाब में पराली के आंकड़े बढ़े हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? मेरे पास नहीं है। दिवाली आते ही जिन लिबरल लोगों को प्रदूषण का चिंता सताने लगता है, वही लिबरल लोग आज उल्लू बनकर बैठे हुए हैं। जो अरविंद केजरीवाल पंजाब में सत्ता में आने से पहले पराली को लेकर कई तरह के उपाय बताते थे, वही केजरीवाल की पार्टी अब पंजाब में सत्ताधीश बनी बैठी हुई है, लेकिन पराली जलाने के आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी होते दिख रही है। यही केजरीवाल के मंत्री गोपाल राय दिवाली से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पटाखा फोड़ने वालों को जेल में डालने की बात करते हैं, लेकिन प्रदूषण के असल जिम्मेदार जो बड़े बड़े फैक्ट्रियों के मालिक हैं, पराली जलाने वाले किसान हैं, उनके खिलाफ केजरीवाल चू तक नहीं कर पाते। आज दिल्ली की स्थिति बद से बदतर हो गई है। कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 से अधिक दर्ज किया गया है, जो बेहद खतरनाक श्रेणी में है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली नगर निगम का चुनाव आने से पहले गाजीपुर में स्थित कूड़े के ढेर पर पहुंचकर उसे चुनावी मुद्दा बनाते हैं, लेकिन जिस राज्य में वो पिछले 8 सालों से सरकार में बैठे हैं, वहां न इनसे यमुना साफ हुई और न ही दिल्ली की हवा। अरे 7 महीने पहले तक तो ये पंजाब को दोष देते थे, लेकिन आज पंजाब में उनकी सरकार है, लेकिन पराली न जले इसका कोई हल ये अभी तक नहीं निकाल पाए। अब आप सोचिएगा कि सिर्फ पंजाब की गलती थोड़ी ना है, तो कुछ आधिकारिक आंकड़ों को आप जान लीजिए। 2021 में पंजाब में 14,920 पराली जलाने की घटना सामने आई, 2022 में यह बढ़कर 17,846 हो गई है, मतलब 19% की बढ़ोतरी पंजाब में पराली जलाने को लेकर हुई। ध्यान रखिएगा, ये 1 नवंबर तक का ही आंकड़ा है और लगातार पराली अभी भी जलाया जा रहा है, वो भी खुले आम। अब दूसरा राज्य है हरियाणा, जहां 2021 में 3,038 पराली जलाने की घटना सामने आई, 2022 में 32% घटकर 2,083 मामले हो गई। तीसरा राज्य है उत्तर प्रदेश, जहां 2021 में 1,217 पराली जलाने की घटना हुई, जो 2022 में 36% घटकर मात्र 777 रह गया है। अब सोचिए, हरियाणा और उत्तर प्रदेश ने ऐसा क्या कर दिया जिससे पराली जलाने की घटना में कमी आई और पंजाब में 19% की बढ़ोतरी हुई। उत्तर प्रदेश और हरियाणा के सरकारों ने किसानों को प्रति एकड़ पैसे दिए। इस पैसे की मदद से किसानों ने पराली को अन्य जगह पर ट्रांसफर करने में आर्थिक मदद मिली, लेकिन पंजाब सरकार ने ऐसा कोई भी व्यवस्था नहीं किया। जब पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछा गया, तो उन्होंने इसका ठीकरा भी केंद्र सरकार पर फोड़ दिया, जिस अरविंद केजरीवाल के पास 1 साल पहले पराली को लेकर कई उपाय थे, वो अब उत्तर भारत को इस प्रदूषण का कारण बताने लगे। ये वीडियो देखिए और अब तब आप समझ जाइएगा। अब दिल्ली में हम लोगों ने पूसा रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर एक सोल्यूशन बनाया, केमिकल सोल्यूशन, बायो केमिकल सोल्यूशन। वो सोल्यूशन छिड़कने से वो जो स्टबल है, पराली है, वो खाद में कन्वर्ट हो जाती है। इट्स अ विन विन सिचुएशन और इतना सस्ता है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली के सारे खेतों में छिड़काव कर दिया फ्री में। पंजाब सरकार भी कर सकती है, यूपी सरकार भी कर सकती है, हरियाणा सरकार, क्यों नहीं कर रहे वो लोग? इस सोल्यूशन को फ्री में बंटवा दो, सब जगह छिड़काव करवा दो फ्री में, इतना आसान है। और दूसरी चीज, पराली आज लायबिलिटी बनी हुई है, ये बहुत बड़ा एसेट है, ये सोना बन सकती है। पराली, पराली से बिजली बनती है, पराली से कोयला बनता है, पराली से गत्ता बनता है। 10-15 फैक्ट्रियां मैं देख के आया पंजाब के अंदर, जहां पे ये सब बन रहा है। एनटीपीसी वाले कहते हैं कि जितना कोयला पराली से बनाओगे हम सारा ले लेंगे, रेडी मार्केट है। पराली से बिजली बनती है, वहां पे बिजली दे दो उनको। ये वही केजरीवाल है जो मुफ्त की राजनीति के सिरमौर बने हुए हैं, लेकिन पराली के मामले में उन्हें केंद्र सरकार से पैसा चाहिए। हालांकि 1,300 करोड़ रुपए सिर्फ पंजाब सरकार को इस समस्या से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने मदद किया है। कुल मिलाकर यह केजरीवाल के दोहरेपन का चेहरा दिखाता है।
आज दिल्ली में लोग प्रदूषण से परेशान हैं और अरविंद केजरीवाल गुजरात में चुनावी रैली कर रहे हैं। जिस दिल्ली के जनता ने मुफ्त के चक्कर में केजरीवाल को दिल्ली के सत्ता पर बिठाया, वही केजरीवाल आज दिल्ली में मुफ्त में बीमारियां बांट रहे हैं। लेकिन धिक्कार है दिल्ली के लोगों के मानसिकता पर कि वो अभी भी इस पर सवाल नहीं उठा रहे। लोगों ने न ही अब तक वायु प्रदूषण पर और न ही जल प्रदूषण पर कोई सवाल उठाया है। आपकी क्या राय है इस वीडियो पर हमें जरूर बताइएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों अपने परिवार वालों तक जरूर पढ़ाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।